कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां 10 साल के बच्चे का घर के बाहर से अपहरण किया गया। किडनैपर्स ने फोन करके पिता से 6 लाख की फिरौती मांगी। पिता के इतनी रकम न दे पाने की बात कहने पर किडनैपर ने बच्चे के साथ कुकर्म किया। इसके बाद उसे जिंदा ही गंगा में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बच्चे से कुकर्म और जिंदा गंगा में फेंकने की बात भी कबूल कर ली है। वही पुलिस किडनैपर की निशानदेही पर सुबह से गंगा में बच्चे का शव सर्च कर रही है। वही सोमवार शाम बेटा खेलने के लिए घर से बाहर निकला था, वो अचानक से लापता हो गया। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। करीब रात 9 बजे उसके पिता के मोबाइल पर किडनैपर्स का फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर सलामती चाहते हो तो 6 लाख रुपए देने होंगे। पिता ने किडनैपर से लाचारी दिखाते हुए कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा। फिरौती के कॉल आने के बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो पड़ोस में रहने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके नाम बबलू, अमित, समीर और अमीन है। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने वारदात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि फोन पर फिरौती मांगी, लेकिन बच्चे के पिता ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसके बाद हमने बच्चे के साथ कुकर्म किया। किडनैप के 1 घंटे बाद ही बच्चे को जिंदा गंगा में फेंक दिया था। वही कैंट के मैकूपुरवा में ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। मृतक बच्चा मुस्लिम परिवार से है, जबकि अपहरण करने वालों में 2 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने PSC और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कुकर्म के बाद हत्या की आशंका है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वही इलाके में रहने वाले 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।